मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है भाइयों के? एवान, ऑल गुड। हमारे साथ लेफ्टिनेंट साहब भी हैं। ठीक हो भाई? ऑल गुड, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं भाई एक फ्लैट देखने। एक भाई का फ़ोन आया था अभी मेरे पास, कहते हैं कि एक फ्लैट देख लो भाई, तुम्हारे ऑफिस के लिए बिल्कुल सही है। मैंने कि चलो वी आर कमिंग। और आज की हमारी सवारी थोड़ी अलग है। आज की हमारी सवारी है यू गलत ये गलत और इसको मैं चलाता हूँ भाई, तुमसे चलनी भाई सस्ती गाड़ियाँ नहीं चलती ना तुमसे, तो मैं चला लेता हूँ सस्ती गाड़ी। चलो भाई आज की अपनी सवारी है ये। आओ जी यार, मैं सोचेंगे कि ये इस वाली गाड़ी में हम तो महंगा किराया तो ना कर देंगे। मुझे लग रहा सारा गाड़ी देख के कदर रेट बदल दे, कोई ना देखी जाएगी भाई। वाह बहुत बड़े, कहाँ शुरू होती है? अच्छा जी, अपना नीचे भी आ जाएगा। मर्सिडीज में था ना पहले फीचर। नाइस, एसी चला दीजिए भैया इसका। आज भाई 5 सीरीज भी अपनी उसके टक्कर की है, ये रेंज रोवर के टक्कर की है, बट उससे सस्ती है। ये कितने की थी? 73 की। 73 लाख की थी। ये है BMW 5 सीरीज। तो आज इसके बारे में भी देखेंगे कि ये गाड़ी भी ये तो विदाउट ऑडियो है भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी उसमें लोकेशन पे। पीछे करण औजला के गाने बज रहे हैं भाई, बहुत नीची है पर मस्त है यार। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेस्ट, मजा आ गया चला गया इसके। और ये जो ये क्या करवा लिया इसमें? नहीं नहीं सेंसर है, सेंसर। मुझे लगा चोट लगी गाड़ी की, ऐसी तरह सट भाई। घर देख के वापस क्या करा, खाना ले लिया। ओके घर देख के वापस आ चुके हैं। हमें इतना खास नहीं लगा, थोड़ा कंजेस्टेड लगा, बट अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे तो देखो इसके बारे में सब कुछ चीज़ पता है, और तुम्हें जैसे तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो फिर तुम ही बताना, ठीक है? ठीक है, ये भाई बताएंगे क्योंकि इसको कुछ नहीं पता, और मैं सुनूंगा बस क्योंकि मुझे सब पता पहले से ही। ठीक है भाई, सबसे पहले इसकी चाबी की बात करें तो भाई इसकी गैल यो वाली चाबी आती है, एक और आई थी ना इसकी गैल, एक नॉर्मल ही की है। तो इसमें क्या करती है ये, जैसे टच की है? ठीक है, मोटरोला की है, स्लो चल रही है जो। तो ये इसमें बताते रहते कितनी रेंज है, और इससे बात कर सकते हैं किसी से? नहीं बात नहीं कर सकते, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। करना स्टार्ट करना, इससे भाई से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बंद हो गई। नहीं स्टार्ट हो गई। ओ बेटे अभी कितनी देर तक स्टार्ट रहेगी? जब तक छोड़ दो, अंदर ना बैठ जाओ। अंदर बैठ के भी स्टार्ट रहेगी ना ये? अंदर बैठने में इसका सिर्फ एसी ऑन है, एसी और इंजन। ओके ओके समझ गया मैं। तो भाई ये गाड़ी कौन सी है, पूरा नाम क्या? 5 सीरीज तो बताओ। BMW 5 सीरीज 530i M Sport। ओ माय गॉड, काफी छोटा नाम है इसका। हम पे भी थी पहले एक, वो हमने बेच दी क्योंकि वो तेल ही नहीं पी रही थी कह रही थी कि तेल ही नहीं, मतलब तेल बहुत सारा कुछ नहीं पी रहे, और मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो बहुत बहुत कम तेल पीती थी, हमें तेल वाले कुछ चाहिए था तो हमने बेच दी वो बाइक को, तो वो यही है। तो भाई आगे इस पर वो करवा रखा है PPF रैप, मैट PPF रैप करवा रखा है, इसलिए ऐसी ना। तो ओरिजिनल कलर इसका ब्लैक है, बाकी नंबर तो ये हमारे फेवरेट टाइप के लिए रखे हैं 000 में। बहुत, और कितना पुराना नंबर है? 15 साल पुराना नंबर है। दूसरी गाड़ी पता उतरवा कटा, अभी बंद कर देना इसने, अभी आवाज़ कटवाएगी हमारी। अच्छा बंद भी यहीं से होगी क्या? ये तो बात मान रही है, ट्रेन कर रखी है पूरी। तो भाई बाहर से तो ऐसा ऐसा सिस्टम है इसका काफ़ी, पर इसकी ना डिसएडवांटेज पता, इसका एलॉय कितने उसका है? ये मेरे ख्याल से 19 इंची चेंज करवाए हैं। नहीं नहीं कंपनी वही है ना, ये 18 इंची यहाँ 18 इंची होने थे। मैं कह रहा हूँ इसकी बस एक डिसएडवांटेज है कि नीची ज़्यादा। तो अभी जैसे मैं चला रहा था ना इसको, ब्रेक रो पैसे टेढ़ी करके लेनी पड़ी, जैसे हमने आदत पड़ रही फॉर्चुनर की ऊंची गाड़ी की, इस पे चलाने के लिए थोड़ा वैसा ऊँची क्योंकि कोई लुक गई तो नीचे तक घिस गई तो पैसा लग जाएंगे। इसमें एक और बार बताता हूँ, जैसे इसका जो ये फ्रंट वाला टायर है ये पिछले वाले से छोटा है, मतलब पिछला टायर ज़्यादा बड़ा है। तुमने पैसे कम करने के चक्कर में सारे पहिया अलग अलग उसके ले लिए ना? नहीं नहीं अरे नहीं, कंपनी देती है। अच्छा कंपनी ने आगे वाला पहिया छोटा दिया है इसका और पीछे वाला पहिया बड़ा दिया है ताकि ये नूर ऐसे का कुबड़ी जैसे अगला 275 पिछला 275 और अगला 245 है, बड़ा ही छोटा दे दिया है। तो चलो कोई नहीं, इनकी तो समझ मुझे बहुत है ज़्यादा टायरों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। ठीक है, अब भाई पीछे से है अपनी गाड़ी ऐसी, मैं वो सब नहीं बताऊंगा, इसके डिस्क ब्रेक विस्क ब्रेक के बारे में बस अच्छे अच्छे फीचर बताएंगे। डिस्क ब्रेक तो सब साइकिल में भी रहे आजकल, ठीक है है ना। तो अब इसकी डिग्गी खोल दो जरा मस्त तरीके से। पैर वाला सिस्टम नहीं है इसमें? नहीं है, नहीं है? नहीं। मेरी फॉर्चुनर में है और मैं कह रहा तो वही चला जाके इसका क्यों रिव्यू कर रहा ये लेने का। और ये क्या पड़े हैं? सैंडल पड़े हैं। तो अच्छा पर्सनल सामान नहीं दिखा रहा भाई। और ये क्या है? मैट, मैट्स जो कंपनी ने दिए थे। तो ये क्यों नहीं डलवा रखे भाई? ये अच्छे मैट हैं यार, मिट्टी ज़्यादा जमा। अब क्या मैट है फिर? अब वो 70
Oh my God, बाहर से लगवा रखे 1400 रुपए वाले। पुराने वाली में पहले 1400 रुपए वाले, पुराने वाले स्टेपनी नहीं आती, अब स्टेपनी आने लगी इसमें। अच्छा, तभी तो नहीं है, नहीं लिया ना तुमने। हाँ तो पुरानी वाली में आएंगे, इसमें तो नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ रुक जा, अभी कहाँ बंद करा है अभी कहाँ बंद कर रहा है इतनी जल्दी। और बता डिग्गी के बारे में कुछ। और बस इतना ही है डिग्गी डिग्गी में। बाकी डिग्गी भाई मेरी डिग्गी में बटन से बंद होती है, इसका बटन नहीं दिख रहा मुझे। ये क्या लॉक करना है इसमें बटन? गाड़ी लॉक हो जाती है। अच्छा, से गाड़ी लॉक होती है, वो वाला बटन कहाँ है? नहीं, वो जो डिग्गी बंद। अच्छा अच्छा, अंदर होगा 75 लाख रुपए की है ना, अंदर होगा कहीं पे। कहाँ है? नहीं है, नहीं है। तो इसकी डिग्गी कैसे बंद करेंगे? ऐसे तो वरना की भी ऐसे करूँ मैं तो। अबे यार, ये तो वरना ही ले लेते इससे बढ़िया, जब डिग्गी ऐसा बंद करनी है तो। पर कोई बात नहीं, पिछला पहिया बड़ा, अगला पहिया बहुत छोटा। और भाई इनके बारे में कुछ बताओ, कुछ है इनमें पैसा वैसा दे? ये ऑटो डिमिंग वो है, और पीछे वाला वो तेज, वो तो फॉर्चूनर में भी है। और इसमें देखो ये कौन केव है भाई, मैं अभी गाड़ी चला रहा था, पीछे का कुछ भी ना दिखे, तूने लगवा रखे ना ताकि कुछ ना देख पाऊं मैं। ये बंद होने भी बंद क्यों भाई? मेरे भी बंद होने भी बंद होते हैं यार। हैं? मेरे के नहीं होते? आपके वाली फॉर्चून के नहीं होते? तो वो आपने लगवा नहीं रखा, मैंने बाहर से लगवा रखा, 300 रुपए देगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना? 300 रुपए पता है ना, पता ही होगा इसे तो 300 रुपए के बारे में तो। कोई नहीं भाई, अब अंदर से देखते हैं। मेन चीज जिसका तुम वेट कर रहे थे इतनी देर से कि भाई अंदर से क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम, जल्दी आ जाओ पल्ली साइड। भाई भी आ जाओ भाई, कौन सी गाड़ी है? स्पोर्ट्स कार, महंगी आई है भाई। अंदर से खुलते के साथ ही, खुलते के साथ ही भाई आपको दिखते हैं भाई मेरे पैर। मजाक कर रहा हूँ भाई, खुलते देखो ये फील है इसकी बैठने की। जैसे ही इसमें बैठेंगे, अभी तो इसने काफ़ी अंदर कर रखा था, मैंने बाहर निकाला ये। और वो नहीं है इसमें रोल्स रॉयस वाला? वो नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। वो ऐसे बटन दबाते अपना बंद हो जाता है। पर चलो कोई नहीं, ये तो है, ये तो वरना में भी है, ये तो वरना में भी है। क्या अलग है इसमें? अभी भाई इसकी स्टार्ट बता देता हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही है ना, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको। भाई ये देखो यहाँ पे ऐसे ये बटन है, इसको ऐसे दबाना और ये देखो नीचे आ रहा अपने आप। भाई वाह, अब इसने अपने हिसाब से ना सीट सेट कर रखी है, एक और दो दोनों, कि एक जब ये बहुत कम्फर्ट में रहे और दो जब इसने नींद आ रही रहे। तो एक करूंगा ना, अब देखना मेरी सीट वीट साफ हिलन लग जाएगी। ये ना वन, हाँ ना, ये तो सेट है, अब तो करूंगा ना, दे दे देखना। ये देखो अपने आप जा रही पीछे, ये सब हिलने लगा भाई। भाई वाह, अपने आप पीछे का ये देखो अब नहीं मुड़ रहा है। ये देखो अपने आप नीचे जा रहा है, साढ़े जब मैं कैमरा कर रहा हूँ तब क्यों नहीं जा रहा है इसका? भाई एसी मंदा करना है इसका डिम। अच्छा अच्छा अच्छा, बस उसमें ये फर्क है, उसमें घुमा के है, इसमें साढ़े में ऐसे ही है। भाई पीछे का बंद कर, तो पीछे से आवाज़ें आ रही है मुझे गंदी गंदी। फीचर बता चंदू इसके। अच्छा हाँ, पहली बात इसमें जेस्चर कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? अच्छा हाँ, अगर मैं इसमें ऐसे उंगली घुमाऊंगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम। तो अच्छा, अभी तो गाना नहीं बज रहा ना। ऐसे करेंगे तो गाना तेज हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो गाना चेंज, और ऐसे करेंगे तो वापस जो पुराना ट्रैक चल रहा है। ओके, क्या इस गाड़ी में ऐसा फीचर है कि मैं ऐसे करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे ले जाके कुछ गलतियां जो मैंने कर रखी हैं वो ठीक कर सकूं? गलतियां तो करी नहीं ना, तो मतलब गाड़ी सपोर्ट नहीं करेगी हमें? कोई बात नहीं, मैंने यार तेल लगा रखा इसलिए मेरे बाल थोड़े वैसे से हो रहे हैं। कभी तुम सोचो बढ़िया तेल लगाओ तो मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में। हाँ, और इसमें सनरूफ है। अच्छा, ये तो नई चीज है, आज तक नहीं देखी। रिवर्ता में खींचे करनी है ना ये। नीचा दिखाने आया ना इधर, ठीक है भाई, बड़े भाई की तो ये इज्जत रहेगी, ज़्यादा नीचा देख लेंगे हम तो। भाई कोई बात नहीं, आपका मेरा क्या बात है, आपकी है। ठीक है भाई, तो इसमें चले जाओ, है इसके साथ चले जाओ भाई। सनरूफ है इसमें कंपेरेटिवली बड़ी, इतनी वरना वरना की भी इतनी है, पर रिव्यू कर रहे हैं ना इस गाड़ी का तो कहना पड़ा कि बड़ी है। कोई बात नहीं, और भाई इसमें, और भाई सबसे मेन चीज़ तो देखो इसमें ये एसी भाई, ठीक है, क्या बढ़िया एसी है, बहुत जल्दी ठंडा कर दे भाई, ये माननी पड़ेगी भाई। क्या आवाज़ आ रही है इसमें? एक और चीज़ देखो जो ये है ना, ये चीज़ नूना बता रहा हूँ आवाज़ कहाँ आ रही है। ये एसी भाई, एसी बंद करो ना ये वाला, पीछे भी एसी है इसमें, वरना कि तेरा हाँ भाई ना कमाल जोन है, मतलब कि इसका अलग एरिया, मेरा अलग एरिया, उसका अलग एरिया, उसका अलग एरिया। ओके, और जो ये चीज़ है ये इलेक्ट्रिकली अप डाउन है इसमें। अच्छा भाई, वो पिछली वीडियो अभी चेक करेंगे कि कितनी बन पाई, कितनी डिलीट हुई, सेव तो होगी होगी ना, स्विच ऑफ हो गया या फिर वो नहीं हो पाई? शायद से हो गया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, चंदू के फोन से कर रहा हूँ मैं, चंदू की गाड़ी का, चंदू की गाड़ी में बैठ के और बुराई भी कर रहा हूँ। यही तो खासियत है हमारी, जहाँ बैठ जाओ हम तो जहाँ तक उठा पीछे भाई बुराई करा है पब्लिक। ऐसे है हम तो। तो भाई हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि इस गाड़ी में एसी है, हैंडल है, खिड़की दरवाजे शीशे, ये ऊपर नीचे होता है। हाँ, यहाँ पहुँच गए थे ये भाई, ऊपर नीचे होता है इलेक्ट्रिकली, बहुत अच्छी। हाँ करके दिखा दो भाई, वैसे आगे होगी इसमें, पर इसे दोबारा करना है ना, अच्छी चीज़ है। वाह, ये तो कुछ नया लगा मुझे, ये भी इलेक्ट्रिक है।
भाई हैंडल एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये हैंडल भी ऊपर नीचे हुआ है और अंदर बाहर हुआ है, बाहर ना बहुत आगे तक आ जावा है। भाई वाह, और आगे आ रहा मेरे मुंह तक तो ना आ जाएगा। यहाँ पे बढ़िया रहेगा, ऐसा लगेगा चलाने में मजा आवे। और भाई ये आपको मिलती है यहाँ पे BMW की ये कढ़ाई। और भाई इसका ऐसा फीचर बता दो, सारा है ही ना किसी में, बताओ तो। इसमें ऑटो हाई बीम, अगर ये दबा दो तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आगे बाई चांस कोई आता है तो लाइटें अपने आप ऊपर जाती है, जैसे कोई आदमी आ रहा है उसकी आंखों में ना पड़े तो लाइटें ऐसे मुड़ जाती है। जादूगर है गाड़ी। अब देखो सोचो, मतलब इंसान के चारों तरफ से निकल देगी पर इंसान पे नहीं लगेगी लाइट, ताकि उसकी आंखें में ना लगे। भाई जिसने भी गाड़ी बनाई है सोच के बनाया, अगर ये सिस्टम होता है मैं इस पर बिलीव नहीं कर रहा। अगर मैं लाइट पड़ रही है आदमी पे नहीं पड़ रही, आदमी की तरफ से निकल रही है, आदमी की मम्मी मम्मी चल रही हो तो फिर उनकी मम्मियों पे लगेगी लाइट। नहीं नहीं वो भी साइड से, मतलब वो जैसे कि इसमें LEDs हैं तो वो वाली LEDs बंद हो जाती है यहाँ पे, मतलब जिससे लगता है कि हाँ वहाँ पे आदमी है, मतलब खुद बताएगी अब कहाँ आदमी है कहाँ औरत है। हाँ रिश्ता भी वही करवा देगी तेरा फिर। ये तो पता है ना कौन कैसा है, दुनियादारी की समझ है अपनी गाड़ी को। और क्या था भाई इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है? ओ वेंटिलेटेड सीट नहीं इसमें? वेंटिलेटेड सीट क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि ये मतलब जर्मन कार है ना तो वहाँ पे इतनी। अच्छा जर्मन में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होती? नहीं होती होंगी, बट ऑडी जर्मन है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है आपका, और इधर जी आपका ये नल्ला। इसमें एक और चीज दबाओ, ब्रेक दबाओ, एक मिनट लो भाई ब्रेक दबा दिए। जैसे कि ये है, ये डाली स्पोर्ट्स पे। हाँ अब बेशक ब्रेक छोड़ना, धोखा करेगी फिर ये ट्रैफिक के लिए, ताकि क्या पता ये बंदी निकले और धोखा कर जाए। नहीं करेगी, बंदी नहीं है। नहीं ओके चलो जो भी हो भाई, अब जैसे मैं ये देखो जैसे क्या बता ना दे रहा मुझे, खुद बता रहा सब, तू कर ले रिव्यू, ले 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 पी बटन दबाऊंगा ना तो इस पे ध्यान देना। अपना बिल रहा है तो साड़ा, ये फिर खुद ही चल लेती होगी, हमें क्या जरूरत है इसकी? नहीं चला, ये आदमी की क्या जरूरत है, पीछे सो जा, ले जाएगी टैक्सी तो है। टेस्ला थोड़ी है, टेस्ला तो नहीं है। अब भाई ये तो देख लो, और वो तो बताओ इसमें मोड कौन कौन से मोड है। इसमें आते चार मोड, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इको प्रो, एडेप्टिव। स्पोर्ट्स में तो ये पागल हो जाती है, स्पोर्ट्स में पागल हो जाती है और आगरा चली जाती है। ठीक है, कम्फर्ट में नॉर्मली और इको प्रो में जिसे तेल बचाना हो, मतलब तुम्हारे लिए। और अडैप्टिव में ये कि जैसे जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो इस हिसाब से गाड़ी अपना एडजस्ट कर लेती है। खुद चलाया ही मतलब कभी कभी है। चलो भाई एक ये भी चीज बढ़िया मैं कह रहा हूँ, और ये बैटरी भी चार्ज करती है। अच्छा इसका ये काम भी है, इको प्रो में इनका बैटरी का भी काम है, गाड़ी यार का बैटरी का भी काम है, अपना आप चार्ज करें। अब भाई इसका ना वो चेक करके आ रहे हैं हम, ये आर्म रेस्ट में क्या पर्सनल स्टफ है, व्हाट इज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओ ये क्या, ये इसका ये भाई साहब फास्टैग वास्टैग नहीं पता क्या क्या मास्क क्यों रख रखे हैं तुमने, इतनी गलत चीजें, सेफ हो जाओगे पागल। भाई बंद कैसे हुआ है और खुला कैसा है? अच्छा यहाँ पे इसका बटन है जिससे अपने आप ही इसका मुंह खुल जा। हाँ। नाइस ओके, और ये कैसे खुलता है ये वाली पूरा क्या? ये ऐसा है ये? अरे नहीं बाबा आप नहीं समझा, इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा धक्का देना पड़ा है वायरलेस चार्जर ने कुछ चार्ज, भाई स्लो है क्या ये वायरलेस चार्जर? चलेगी थोड़ी हो बात भी, चलो पंजा दबा रहे, 1 2 3 ट्रक आगा, ट्रक आगा, ट्रक देख लो भाई, रुक जाओ ब्रेक कर पे, हमने टेडी करके उतारने, अरे साढ़े टिकवाएगा हमारी गाड़ी, नॉट टिकी भाई, नॉट टिकी। मैं तो बहुत नीचा फील कर रहा हूँ इसके आगे यार पैसों में। ना सीट नीचे कर रखी है, ऊपर कर लेता हूँ जरा, सीटें चंदू के हिसाब से कर ली मैंने, ऊपर क्यों ना हो पा रहे हम इसमें, वो भी है
बताएगा थोड़ी ऊपर की ना ऊपर होगा 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 ऊपर होगा ऊपर होगा। अब ब्रेकर आ गए, एक और फिट टेडी करो इसको यार। अगर ये BMW ने थोड़ी सी ऊंची बना दी होती ना तो X5 होती है ना, X5 मिली गा रही है ना, तो X5 लेते हम चंदू और मैं मिलके। हाँ। जो डोनेशन देते हो NGO में उसके पैसों से। क्यों भाई? ओ, चलो भाई 0-200 के लिए सही रोड आ गया ना, इतनी देर में तो कर ही देगी 0-200। चलो भाई शुरू कर रहे हैं, आओ भाई अपना वो निकाल लेना भाई, वो स्टॉप वॉच ले लेना भाई से पीछे से। लॉन्च कंट्रोल, एक मिनट रुके भाई, ब्रेक ना दबा रखा भी लगा। कौन सी आगे जा रही है? हाँ ये भी है, खुद भी तो ना जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ हाँ ये कर दिया आपने, स्पोर्ट्स मोड लगा दीजिए इसमें, वो सारे बटन दबा दे लैम्बोर्गिनी में दबावे ना भाई स्टार्ट करने से पहले। घूम 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 भाई, गाना चल रहा है अपने भाई का, धुम्मा टावेंगे DG मोटर्स। चलो चला दे, लग गया ब्रेक दबा भाई, कर दियो शुरू ठीक है, जब मैं कहूँ तब रोक दियो ठीक है। हाँ चलो ठीक है। वन, अरे साइकिल वाला मरेगा क्या कहता है भाई? साइकिल वाले प्लीज हट जा अपनी, अगर एक बार थोड़ी आगे ले जाके रोकना, हल्की सी आगे जाया करो। हाँ, अब रोको एक मिनट, इधर से करेंगे, कभी कोई आगे आ जाए हमारे और मर जाए है ना, फिर तुम्हें भरना पड़ेगा सब, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी से मरेगा। हाँ। अब वो करना जो मैंने बताया था, पूरा अच्छा, इसका कोई टेक्निक है भाई इसकी लॉन्च कंट्रोल करने की? यहां पे लिखा जाता है लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेटेड। अच्छा रे, इतनी फास्ट कार है भाई, ये कर दिया टाइट दो तो आगे जा रही है, ब्रेक टाइट और ब्रेक रेस पूरा। लॉन्च कंट्रोल एक्टिव लिखा होगा भाई, करें अब शुरू। हाँ। अब तो कर दूं ना, अब दोबारा रखो वापस, छोड़ भाई तो छोटी जगह करने के लिए। जल्दी आगे 75 से चलेगी, बेटे स्टार्ट भी ना करा था भाई, 0-200 इसके 6.1 सेकंड है, सही कह रहा था ये लड़का। बल रीशु का फोन आ गया भाई, कर लो उठा लो, काट दो। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई 0-200 6.1 सेकंड, ये इतना ही कर सके हम। पीछे से लाओ तो भाई, फास्ट गाड़ी चलाना किसने सिखाया यार? ये हो जाती अगर आगे दीवार ना होती तो, नहीं तो एयर बैग खुल जाएंगे फिर तो रुक जाएगी। हाँ फिर रुक जाएगी। हाँ एयर बैग भी है गाइस इसमें, कितने 1.5 8। हाँ वही 1.5 एयर बैग है इसमें, कम है यार 1.5 तो, 8 तो होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, ये अब इसने फिर नीचे करके तारो टेढ़ी करके आ रहा है यार, यो बहुत सिर दर्दी, कहीं भी तेज चल रहे हो बढ़िया, ब्रेक करा जा फिर ऐसा करो ठीक है। तो भाई अभी तो ये सिस्टम हो गया इसका, आ गएगा गाड़ी चला के देख लिए जी हमने, और एक अभी तो वो भी करेंगे पार्किंग, ऑटोमेटिक पार्क करे गाड़ी अपने आप। एंडेवर है क्या फोर्ड की? एंडेवर से ज्यादा लाख गुना बेटर पार्क करते हैं, मेरी एंडेवर पार्क भाई, एंडेवर से योगा कह दी इसमें, एंडेवर मारेगी जहाँ मिल गई अब। हाँ बता भाई, और एंडेवर से बढ़िया पार्क करती है और क्या करती है एंडेवर से अच्छा है? सब एक्सेप्ट ऑफ रोडिंग भाई, इस पे टिक जाएगी गाड़ी? नहीं इस पे तो नहीं टिकेगी, छोटे से पाइप पे। ओ नहीं टिकी भाई, जब ऊपर तो निकला मुझे ऐसा लगे नीचे तो निकल जा हमारे, ऐसा लगे मैं, ऑल दो मैंने कभी किया नहीं है ये ट्राई, बट स्टिल भाई अभी तक ये आपका वायरलेस चार्जर क्यों नहीं कर पा रहा मेरा फ़ोन चार्ज, स्लो है। फॉर्चुनर में तो तेज है, बहुत तेज है भाई, ये तो कुछ भी ना है। BMW क्या है? कुछ भी ना है, फिर ब्रेक करा को बहुत ही ऊंचा है इस बार तो, ये देखो टेढ़ी हुई गाड़ी। वो तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना, तो चंदू जैसा कोई चला रहा होता ना इसको तो नीचे से अब तक छील दी होती भाई। ये पार्क असिस्ट क्या है ये? इसमें क्या होता है, ये गाड़ी अपने हिसाब से जगह ढूंढती है और खुद ही अपने आप पार्क कर दी बिना रेस ब्रेक भाई से स्टीयरिंग ना जाएगी अपने आप? नहीं तो अब ये करूँ मैं, जगह ढूंढेगी ना? हाँ अब जगह ढूंढेगी अपने आप, अभी पहले यहाँ अगर जगह मिलेगी तो बता देगी कि हाँ यहाँ जगह है खड़े करने लायक, जैसे अभी ये दिखा रही है ब्रेक ले लो। हाँ, इसे दिख गई मैंने सब कुछ, ये देख लो वो खुद जा रही है, रिवर्स खुद देखो भाई खुद जा रही है, रिवर्स में खुद डालेगा, रिवर्स भी खुद डाल दिया, ओ भाई खुद जा रही है, मेरी जिम्मेदारी ना अगर सीढ़ी पे भिड़गी तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेज है तो सही में पार्क ले, खुद बज रही है भाई, ठुक जाएगी वो? नहीं ठुकेगी। अच्छा जी इतना ज्ञान है इसमें भाई, इसने तो पार्क कर दी है, कर दी पार्क, अब रोड डी पे डाल दी खुद खुद वही। अच्छा खुद रोकनी पड़ेगी हमें? नहीं खुद रोकती है, आपको नहीं करना कुछ, ये भी नहीं करना था मैंने। हाँ, ब्रेक दबा दी, छोड़ दो। हाँ हाँ अब अपने आप रुक जाएगी? हाँ रुक गई सही में तो, कंप्लीट भाई चंदू तूने तो यार, ये तो एंडेवर मस्त है यार है? ये बंदे भी दिख रहे हैं इसमें देखो, सोसाइटी के हमारे, ये क्या देख रही है इतनी महंगी गाड़ी ना देखी आंटी का भी बार बार देख रही है, झुक झुक क्या है ये, क्या ले रखा हो इनने
ब्लैक कलर को देखो ब्लैक कलर का आंटी जो आपने देखा वो गाड़ी नहीं है टी शर्ट है मेरी और चंदू की और भाई की ब्लू नेवी ब्लू। भाई ये बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को आपकी गाड़ी का। और कुछ कर सकते हैं हम इस गाड़ी के अंदर कुछ कलाकारी? तो फिर छोटी मोटी चीजें हेडलाइट लाइट वगैरह हो गई, ये तो मेन थी, छोटी मोटी है मेन चीज ना बता रहा। और भाई वायरलेस एप्पल कार प्ले है, वहाँ वायरलेस एप्पल कार प्ले है। अब जैसे की सेटिंग्स में जाते हैं तो इसमें खुद की प्रोफाइल बना कर रख सकते हो कि जैसे अगर मैं गाड़ी चलाने आ रहा हूँ तो मैं अगर इसमें अपनी प्रोफाइल डालूंगा तो गाड़ी टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर लेगी, सीटें मेरे हिसाब से सीट कर लेगी, सेट कर लेगी, ड्राइव बोर्ड मेरे हिसाब से लगा लेगी। बोलूं कुछ अब मैं भी बोलूं कुछ अब मैं तो फिर अपने हिसाब से चल क्यों ना लेती कि उस आदमी कहाँ जाना। जैसे मैंने आके बैठ गया, मेरी प्रोफाइल सेट है, मैंने कह दी भाई मुझे एक बार वहां तक छोड़ दे अड्डे तक, तो अपने आप नहीं छोड़ देगी अड्डे तक मुझे, क्योंकि BMW है ना ड्राइविंग प्लेजर। ओके तो प्लेजर के लिए तुमने ये लिया है, मुझे लगा महिपालपुर जाते हो तुम प्लेजर के लिए पागल। बाकी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, अच्छा ये तो नॉर्मल चीजें स्कॉर्पियो में भी होती हैं। हां चेक मैसेज कंट्रोल होगा, हां ये नहीं होता स्कॉर्पियो में। और क्या क्या होता स्कॉर्पियो में? वो तो स्कॉर्पियो देख के पता लगा क्या होता है उसमें। ड्राइविंग इंफॉर्मेशन भाई वाह, कि जर्नी डेटा कैसे, स्पोर्ट्स डिस्प्लेज है जो बताती है आपकी गाड़ी कितना जी फोर्स वो कर रही है प्रोड्यूस भगाते वक्त। अच्छा इतनी साइंटिफिक गाड़ी है गए? हाँ। इतना दिमाग तो ना लगा मुझे जब देखी मैंने इसमें है कि गाड़ी की शक्ल देख लग रहा एनर्जी फ्लो बताती कि एनर्जी किस पेस पे पीछे तक जा रही है पीछे वाले की। अरे ये मत दिखा रहे पब्लिक स्किप कर रही है जैनो का क्या दिखा रहे हो तुम, समझ तो आना रही। कुछ और दिखा, कुछ ज्यादा कलाकारी था पब्लिक को बेटे का दिखा दिया भाई, लाइट लूट चस रही है इसमें तो। अरे वाह इसमें गेम भी चले GT5 पे, इसमें वीडियो चल जाएगी? वीडियो भी, वीडियो नहीं चल सकती इसमें, बाकी क्वालिस इसमें भी चल जाती है वीडियो बाकी अगर बाहर से लगवा लो तो। भाई वो जा रही स्पोर्ट्स कार है, देखो स्पोर्ट्स कार असली बेटे मजा आ गया भाई। बाकी इसमें ये एम्बिएंट लाइट है इसकी, अभी तो शायद एम्बिएंट लाइट है इसकी। और कितने प्रकार की है? 10 10 प्रकार की है। एस क्लास में कितने? 44,000 प्रकार की है ना, 64,000 64 से तो कई लोग फेमिलियर है, कोई बात नहीं। अब भाई वो था कुछ हो रहा 64 के नाम पे, मैं कह रहा हूँ एवरेज कितने की देती है मेन चीज? एवरेज ये बता देता हूँ 12.7 की है। हाँ ओ माय गॉड, कुछ चीजें ही है जो इसमें वरना से ज्यादा है, एवरेज भी ज्यादा ही है, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। मतलब एक बार फुल करवावे तो कितने रुपए ले भाई? ये ले लेती है 6,000। ठीक है फॉर्च्यूनर से कम कर रही है और एवरेज ज्यादा दे रही है, फक ये लेनी पड़ेगी अब तो मुझे। बढ़िया गाड़ी है यार। अब ये देखो साइड में भाई, इसके तो सबको पता ही होता है कि क्या क्या इंपोर्टेंट स्टोरेज यूनिट वगैरह भी उसमें। वो मत दिखाओ वो मुझे नहीं पता। अब भाई आ रहे हैं इसके पीछे हम, खोलते हुए भी ऐसे देखना पड़े पीछे तक कोई आ तो ना रहा। अब आएंगे पीछे और गिर जाऊंगा मैं तो आज। एक ये कर दी भाई गाड़ी प्यार से बंद, वो भी तो इसमें अपने आप बंद कर लेती है ना ये गाड़ी, मतलब छोड़े डोर तो नहीं। अच्छा वो मर्सिडीज में होता है, ओके ओके तो BMW है ना भाई। पीछे आओ भाई, इंटीरियर प्यारा है, बहुत अच्छा इंटीरियर लगा मुझे इसका। 1400-1500 रुपये के मैट देख लो जो इसने बाहर से डलवाए आफ्टर मार्केट लोहित है सबकी प्रमोशन कर दूंगा आज ही। और ये बंद करिए और पीछे होकर बैठे भाई, पीछे से ऐसा दिखता भाई, भाई पीछे से तो तेरे से टकरा गया ना वो ऊपर ना ना ये भैया OTP लिखो भैया चला लो ना इसका AC पीछे का, वरना में भी यही AC है भाई पर उसमें बस हाँ बस इतना ही है भाई। पीछे ये है, ये है और ये भी कुछ है भाई, समझ जाना अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके। लाइट्स लाइट्स, अच्छा लाइट्स ओके, वोल्वो में ऐसे है, देखो ऐसे कर देना। इसमें जो ये ब्लाइंड है ये भी उससे इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा ये पीछे का जो पर्दा है हट जाता है बटन दबा के आगे से, बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे चंदू आपकी गाड़ी का ये। और क्या क्या है चंदू पीछे? और इस इल्यूमिनाटी के साइन के अलावा ये, और ये पीछे आर्म रेस्ट भाई वाह, इसका वेट कर देना तुम। इसमें भाई वो दारू वारू नहीं रखी, फ्रिज कहाँ है इसका? फ्रिज नहीं। अच्छा इस क्लास नहीं है ना ये? मंदा करना हो ना तो यहाँ से हुआ, देखो यहाँ पीछे बटन है आके वो टच स्क्रीन भाई, पर ये चीज ना काफी छोटी है बड़ी है भाई, काफी मस्त लग रही है बैठ के पीछे देख के, स्पेस भी बहुत है। मेरी हाइट 6'2" है देखो कितना भाई, पर यार अगर टकरा जाएगा तो प्लास्टिक का बहुत तेल लगेगी घोटे में, एयरबैग इनके अंदर तो एयरबैग के मारने क्यों है मैं? जो मेरा गोसन था वो नहीं बताएगा कि एयरबैग है इनके अंदर भाई, घोटे छिल जाएंगे इससे तो, कहीं लगी तो लगी तो लगी, ये था सही आंसर इसका, लगी तो लगी सारे ढंग से चलाओ है ना। और भाई और तो देखो इसमें कोई फीचर लगा नहीं मुझे एक्स्ट्रा,
ये ऑटोमेटिक नहीं है नहीं। अच्छा 7 सीरीज नहीं है ना ये। इसके वो स्पीकर अच्छा है। अच्छा ये तो पूछा ही नहीं था। है मेरी फॉर्च्यून बैठ जा स्पीकर दिखाऊं तुझे। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे ये वाली में बैठ के। हां भाई ये बटन दबाना, कोई ये दिखाना चाहता है अपने एक्स्ट्रा फीचर ये वहां पे। अरे जहां से शीशे के है बटन ये वाला, इसे तो नहीं पता होगा ये। अरे जा ब्रेजा में होता, पीछे देख लास्ट वाला बटन देख, अब लीनो वाला सेम। हां ये तो ये हो गया। तेज जा रहा, ऑडी में भी जाता था पर स्लो जाता था। इसमें फास्ट है बट किसी को स्लो करना हो तो स्लो का ऑप्शन है उसमें नहीं, तो फिर ये सही नहीं लगा। ऑडी में होता है क्या होता है ऑडी में और क्या? हाँ मजाक सेट के भाई, A6 में होता है। अच्छा रुको फिर। अच्छा सब चीज अभी तो नीचा दिखाएगा ऑडी को। कोई ना मैं भी यही हूँ, दिखा और नीचा दिखा। होता है अभी नहीं होता? हाँ होता है। नहीं ये करवाना क्यों है पर, इससे हो क्या गया मुझे तो? थर्ड रो के लिए बोल, थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन का सिर ना यहाँ लग सके नहीं, अब जरूरी है उसको ऐसे ही करना। हाँ। चलो थर्ड पर्सन तो कोई है नहीं वैसे हमारी गाड़ी में, तो कोई नहीं बैठता, बंदी बंदी से तो दूर रहते हैं। हाँ। और पीछे वो कभी कभी साग ले आते हैं जाके। हरा ले आते हैं, नियार व्यार डाल के गाड़ी में, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। बट सही है ये, जाएगा कैसे वैसे अपने आप। अच्छा बटन दबा के जाएगा, मैं भी तोड़ देता। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया गाड़ी में। अगर किसी को 5 सीरीज चाहिए हो ना तो BMW वाले के पास चले जाना। और ले लेना ठीक है भाई। और भाई इस वाले वीडियो में बस यही ना। हाँ हाँ यही, और कुछ नहीं इसमें? नहीं है, और नहीं है। ट्रैक्टर जा रहा है ना बाहर पीछे, ट्रैक्टर। हाँ। उससे अच्छी लगी मुझे। ठीक है ना। और भाई ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। BMW चाहिए तो ले लेना अपने जाकर, बताना मैं लूं यो या ना लूं। वैसे तो अपनी है यो भी, है ना? ओ एनी टाइम। चलो ये तो अपनी भाई ने कह दी। अगर दूसरी लानी हो, जोड़ा करना हो तो फिर, क्योंकि हम तो सांप है ना, जोड़े में चलते हैं। नहीं जोड़ा करना तो एक और पे भी है। और किस पे? डीपी। अच्छा डीपी भाई, ये एंड्रॉइड फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा अटक जाता है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं एंड्रॉइड भाई। बहुत अच्छा लगा भाई चंदू भाई से बात करके। तो ऐसे फोटो खिंचवा लें एक। वाह नेताजी, मजा आ गया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। भाई एक बहुत घटिया फीचर आया अभी अभी। नया फीचर है बोनस क्लिप भाई। ये ना जब एयरप्ले एप्पल कार प्ले जब लगा देते हैं तो जब बंद होगी तभी डिस्कनेक्ट होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है ना। कोशिश कर रहे हैं हम। घटिया फीचर है, ठीक है ना, काउंट कर लेंगे। हो गया। अब लेट हो गया। अब क्या, अब तो चिड़िया चुग्गी खेत, चिड़िया मूत की खेत में क्या चलेगी, सब चीज करेगी।